लगता है बोले हाँ सर कमेटी तब कहाँ लगता है ऊपर ले के बोल रहा कि पासपोर्ट निकाले पासपोर्ट से फोटो खींच लिया। कितना डिमांड किया था? 50,000 का डिमांड किया। क्या बन के आया? यही बोला कि हम दिल्ली से पटना का दिल्ली का जो है हम अफसर है यही आदमी है इसको हम नाम क्या क्या नाम इसका नाम है राघव रजक इसका बाप का नाम है बैजू रजक वीडियो बनाया तो हमको एक बार शक हुआ कि वीडियो का तो कोई प्रोसीजर है ना। फिर हम बोले कि आपके पास दिल्ली क्राइम का आईडी है तो फिर आप बंधन ब्रांच का क्या है तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो बोला कि हमको अथॉरिटी मिला तो हमारे पास बंधन बैंक के ब्रांच मैनेजर का नंबर था मैंने कॉल करा तो वो कह रहा है कि ना मेरा ये एम्प्लॉय था ही नहीं। क्या बोल रहा है? अभी अभी तो यही धमकी देता है। अभी तो कहीं घर वाला को भी धमकी दिया यही धमकी हमको भी दी। किस लिए आए थे यहाँ? अरे काहे लाए थे यहाँ? बता तो दो हम जा रहे हैं थाना तो जमा करो बता थाने जा रहे हैं थाने में सब रिपोर्ट बताएंगे। हाँ चलिए ना बोले हाँ सर कमेटी तब कहाँ लगता है ऊपर ले गए बोल रहा कि पासपोर्ट निकाले पासपोर्ट निकाले पासपोर्ट से फोटो खींच लिया पासपोर्ट का फोटो रजिस्टर का फोटो खींच लिया मेरा ही फोटो साथ खींचा है। क्या बन के आया था आपके पास? सर बन के ग्रुप चल के चल क्या ग्रुप चलता बोले हाँ चलता है ग्रुप। कितना डिमांड किया था? 50,000 का डिमांड किया। क्या बन के आया? यही बोला कि हम दिल्ली से पटना का दिल्ली का जो है हम अफसर है और अभी देखा था अभी क्या? हम सब्जी लेके हम जब आ रहे थे तो हम देख लिए इसको तब जाकर के अभी हम यहाँ पर रुके। वही आदमी है? हाँ यही आदमी है इसको हम चीन नाम क्या क्या नाम इसका नाम है राघव रजक इसका बाप का नाम है बैजू रजक। अभी आपको क्या बोला? अभी और अभी फिर ये धमकी दिया कि यहाँ से हमको छूटने दो उसके बाद तुम्हारे घर पर हम जाते हैं तुम्हारा हम हिसाब लेते हैं अभी तुमको समझ में ला देंगे तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे यही धमकी दिया। मतलब अफसर बना हुआ था? हाँ अफसर कभी दिल्ली का बोल के आता है पटना का और कितना कितना ही नंबर से फोन भी करवाता है और हमको धमकी दिया जाता है और हम 2-4 नंबर भी इसका हम रखे हुए हैं जो जो हमको फोन किया। पहले आया था राजू भाई घर फिर हम देखिए उसको जाते हैं फिर आ गया कि हम बंधन बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। इनका कहना था कि हम बंधन बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। उसके बाद फिर सारा अपना अपना लेडीज लोग को तो खैर उतना पता नहीं चला वो अपना अपना सब डॉक्यूमेंट दिखाने लगी सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया उसके बाद वीडियो बनाया तो हमको एक बार शक हुआ कि वीडियो का तो कोई प्रोसीजर है ना। उसके बाद इसके आगे गाड़ी में लिखा है दिल्ली क्राइम ब्रांच तो फिर हम उससे पूछे कि आपके पास कोई आईडी है तो बोलते कि मेरे पास दिल्ली क्राइम का आईडी जो ये है ठीक है। तो फिर हम बोले कि आपके पास दिल्ली क्राइम का आईडी है तो फिर आप बंधन ब्रांच का क्या है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो बोला कि हमको अथॉरिटी मिला तो हमारे पास बंधन बैंक के ब्रांच मैनेजर का नंबर था मैंने कॉल करा तो वो कह रहा है कि ना मेरा ये एम्प्लॉय था ही नहीं। फिर मैंने वेट करा और उसको बुलाया ब्रांच मैनेजर को तो वो आके बोलते कि नहीं ये मेरा कोई नहीं है ये 5 पहले काम किया था अब मेरा इससे कोई नाता नहीं है। अब ये बोलता है कि नहीं हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए मिला था। फिर मैंने पूछा उसके बाद अगर ये क्राइम ब्रांच या जो है तो मेन क्या होता है कि आप डोर बेल बजाइए अंदर से बुलाना चाहिए कि आप अंदर जाके लेडीज के साथ बसुलकी कीजिएगा खिड़की दरवाजा देखिएगा उधर खींच रहा है उसका फोटो ले रहा है भागने का कोशिश कर रहा था। इसको धमकी।